नमस्कार दोस्तों, सभी किसान भाइयों के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी सामने आई है। केंद्र सरकार ने 1 अप्रैल से गेहूं स्टॉक की अनिवार्य घोषणा करने का आदेश दिया है। केंद्र सरकार ने शुक्रवार को 1 अप्रैल से गेहूं की स्टॉक स्थिति की अनिवार्य घोषणा का आदेश जारी किया है। सरकार ने यह कदम जमाखोरी और सट्टेबाजी रोकने के लिए उठाया है। उपभोक्ता खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मामलों के मंत्रालय ने जारी एक आदेश में कहा कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश के सभी व्यापारियों, थोक विक्रेताओं, खुदरा विक्रेताओं, बड़ी श्रृंखला के खुदरा विक्रेताओं और प्रोसेसरों को 1 अप्रैल से प्रभावी सरकारी पोर्टल पर गेहूं की अपने स्टॉक की स्थिति घोषित करनी होगी। वर्तमान में गेहूं की स्टॉक सीमा जारी करने की तिथि 31 मार्च को समाप्त हो रही है। वहीं दोस्तों, अगर गेहूं के भाव की बात करें तो यूपी के अंदर गेहूं का जो रेट है 2525 रुपये से लेकर 2575 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से बिक रहा है। राजस्थान की बात करें तो राजस्थान के अंदर भी 2550 रुपये से लेकर 2600 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से गेहूं के दाम आपको मिल रहे हैं। मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश के अंदर 2500 रुपये से लेकर 2550 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से बिक रहा है। लेकिन अब सरकार का सख्त आदेश जारी कर दिया है। अलग अलग जिलों के अंदर गेहूं खरीद केंद्र लगाए गए हैं, जहां किसान दोस्तों अपने गेहूं बेच सकते हैं और ज्यादा मुनाफा कमा सकते हैं। लोकसभा चुनाव से पहले मोदी सरकार की बड़ी घोषणा हुई है, जिसके चलते किसानों को अब लाभ मिलने वाला है। तो बहुत बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। अब आपका अनाज और ज्यादा महंगा होने वाला है, क्योंकि केंद्र सरकार ने 1 अप्रैल से गेहूं स्टॉक की अनिवार्य घोषणा करने का भी आदेश दिया है। तो दोस्तों, बहुत ही बड़ी खबर इस वक्त आ रही है गेहूं भाव को लेकर। आपके आसपास मंडियों में गेहूं क्या भाव चल रहा है, कमेंट में जरूर लिखें। इस वीडियो को लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब।